16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में वेटलैंड नाम का एक देश था, जहाँ का राजा था जॉर्ज। जॉर्ज एक दयालु राजा था। उसके राज्य में प्रजा खुश थी और लोग समृद्ध थे। राजा का एक बेटा था पाइपर। राजा अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए पाइपर जल्द ही वेटलैंड देश का उत्तराधिकारी बनने वाला था। पाइपर युवा, सुंदर, बुद्धिमान और अचूक निशानेबाज था। वेटलैंड के पड़ोसी राज्य एंथा का डरपोक राजा मैगन चाहता था कि उसकी बेटी लीजा की शादी पाइपर से हो जाए, इसलिए वो अक्सर किसी न किसी बहाने लीजा को पाइपर के पास भेज दिया करता था। लीजा, जरा हमारे राज्य के मीठे आम राजा जॉर्ज के दरबार में ले जाओ, इसी बहाने पाइपर से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। पाइपर को अपने वश में करके रखो, एक बार तुम्हारा उससे विवाह हो जाए फिर हमारा राज्य खूंखार वुल्फ किंग से सुरक्षित है। चिंता न करें पिताजी, पाइपर पूरी तरह से मेरी सुंदरता के वश में है। वो दिया लेकर भी ढूंढने निकलेगा तो भी मुझ जैसी सुंदर राजकुमारी नहीं मिलेगी। लीजा आम लेकर राजा जॉर्ज के महल पहुंची। हाय पाइपर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ओहो आम, मुझे आम बहुत पसंद है। मैंने तुम्हें आम खिलाए, अब बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ खिलाना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम खाना बहुत अच्छा बना लेते हो, क्या आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगे? हाँ जरूर। राजा जॉर्ज के महल में एक दुर्लभ पेड़ पौधों का गार्डन था, जहाँ कहीं ना मिलने वाली जड़ी बूटियों के पौधे लगे हुए थे। जब पाइपर लीजा के लिए खाना बना रहा था तो गार्डन में एक चोर घुस आया और कुछ पौधे चुरा कर भागने लगा। कोई भी सिपाही चोर को पकड़ नहीं पाया। राजकुमार, इस समय आपको तंग करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमारे गार्डन में एक चोर घुस आया है। वो कुछ पौधे चुरा कर जंगल में ऊंची पहाड़ी की ओर भागा है, कोई सिपाही उसे रोक नहीं पाया। पाइपर ने तुरंत तीर कमान उठाया और घोड़ा लेकर जंगल की ओर गया। पाइपर का तेज रफ्तार घोड़ा जल्द ही चोर के पास पहुँच गया। पाइपर ने 1 किलोमीटर की दूरी से तीर मारकर चोर को गिरा दिया। इतने सालों में आज तक कोई हमारे महल की सुरक्षा को भेद नहीं पाया, कौन हो तुम? अपना नकाब हटाओ। माफी चाहती हूँ राजकुमार, मेरा नाम पैरिस है, मैं पहाड़ी के उस पार रहती हूँ। मेरे पिता एक छोटी सी सियासत मार्चलैंड के राजा हैं और इस समय बीमार हैं। हमारे डॉक्टर ने बताया कि पिताजी एम्बिलिया नाम के एक पौधे से ठीक हो सकते हैं, और वो पौधा सिर्फ आपके गार्डन में था, उसे ही चुरा कर मैं भाग रही थी। लेकिन चुरा कर क्यों? तुम हमारे पिताजी से मिल सकती थी, वो तुम्हारी मदद जरूर करते। मैं चोरी नहीं करना चाहती थी, मैंने मिलने का समय मांगा था, लेकिन आपके मंत्री ने बताया कि इस समय आपके पिता राज्य से बाहर हैं और उनसे कोई भी बात करने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अपने पिताजी की तबीयत देखते हुए मैं इंतजार नहीं कर सकती थी। पाइपर पेरिस की बहादुरी और सुंदरता देखकर हैरान था। उसने पेरिस की पीठ से तीर निकाला और खुद उसको उसकी रियासत तक छोड़ने गया। पेरिस और पाइपर में अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों अक्सर मिलते और ऊंची खड़ी पहाड़ी पर साथ साथ चढ़ने की कोशिश करते। ये! एक बार फिर मैं तुमसे पहले चढ़ गई। हर बार तुम ही जीतती हो, तुम खड़ी चट्टान पर इतनी तेजी से कैसे चढ़ जाती हो? मेरा बचपन पहाड़ियों के बीच ही बीता है, इसलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ने का मुझे अभ्यास है। लीजा जब पाइपर और पेरिस को साथ साथ घूमते, हंसते और बातें करते देखती तो उसके बदन में आग लग जाती। एक दिन लीजा के पिता ने लीजा से कहा, बेटी मुझे लग रहा है कि राजकुमार पाइपर तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। राजकुमार को उस गरीब पेरिस से प्रेम हो गया है, तुम जल्दी से कुछ करो ताकि वो दोनों अलग हो जाएं। आप चिंता ना करें पिताजी, पेरिस का वो हाल करूंगी कि राजकुमार उसे पहचान भी नहीं पाएगा। लीजा के राज्य में काला जादू करने वाली एक जादूगरनी हैडन रहती थी। कहो राजकुमारी,
आज मुझे क्यों याद किया? क्या तुम एक जवान और खूबसूरत इंसान को बूढ़ा बना सकती हो? क्यों नहीं, पर रकम थोड़ी ज्यादा लगेगी। उसकी चिंता मत करो, तुम जितना मांगोगी उतना मिलेगा। जादूगरनी ने लीजा को एक आम दिया। इस आम को किसी तरह उस व्यक्ति को खिलाना होगा जिसे आप बूढ़ा बनाना चाहती हैं। खाने के 6 घंटे बाद ये अपना असर दिखाएगा। पेरिस हर रोज सुबह उठकर फलों का नाश्ता करती थी। लीजा ने रात में वो आम पेरिस के फलों की टोकरी में रखवा दिया। सुबह उठते ही पेरिस ने रोजाना की तरह आम सहित टोकरी के सारे फल खा लिए और 6 घंटे बाद उसका शरीर किसी 80 साल के इंसान की तरह बूढ़ा हो गया। पेरिस शीशे में देखकर खुद को भी पहचान नहीं पाई। वो दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास पहुंची, लेकिन उसके पिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर पेरिस राजकुमार पाइपर के पास पहुंची, लेकिन पाइपर ने भी पेरिस को बिल्कुल नहीं पहचाना। मैं पेरिस हूँ पाइपर, मुझे पहचानो। पता नहीं कैसे मेरा शरीर अचानक से इतना बूढ़ा हो गया। क्या बकवास कर रही हो बूढ़ी अम्मा, पेरिस इतनी जवान और खूबसूरत है, तुम जरा अपनी उम्र तो देखो। पेरिस को किसी ने नहीं पहचाना। निराश पेरिस जंगल में जाकर अकेली रहने लगी। कई वर्ष बीत गए। पाइपर ने जवान पेरिस का बहुत इंतजार किया, लेकिन पेरिस नहीं लौटी। पाइपर के ऊपर विवाह करने और उत्तराधिकारी बनने का दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार पाइपर ने लीजा से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन पाइपर और लीजा की शादी के एक दिन पहले वेटलैंड पर वुल्फ किंग का हमला हो गया। वुल्फ किंग अपने सिपाहियों के साथ भेड़ियों को भी लेकर आता था। पाइपर एक ही बार में तीर कमान से वुल्फ किंग को मार गिरा सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे वुल्फ किंग कहीं दिख नहीं रहा था। पाइपर वुल्फ किंग के ऊपर निशाना साधने के लिए किसी ऊंची जगह की तलाश में था। तब उसे जंगल पार की ऊंची पहाड़ी याद आई। पाइपर जब जंगल से गुजर रहा था, तभी एक भेड़िया अचानक उसके सामने आ गया। पाइपर को तीर निकालने का भी मौका नहीं मिला और भेड़िये ने पाइपर के ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन किसी ने बीच में आकर तलवार से भेड़िये की गर्दन अलग कर दी। ये कोई और नहीं बल्कि बूढ़ी पेरिस थी। बूढ़ी अम्मा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको इनाम देता, पर फिलहाल मुझे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है। पाइपर खड़ी चट्टान पर बार बार चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन चढ़ नहीं पाता। पेरिस ये सब देख रही थी। वो पाइपर से बोली, तुम अपना तीर कमान मुझे दो, मैं कोशिश करती हूँ। पेरिस ने पाइपर से तीर कमान लिया और वह तेजी से खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गई। वहां से उसे वुल्फ किंग दिखाई दे गया। एक ही तीर में बूढ़ी पेरिस ने वुल्फ किंग को मार गिराया। पाइपर ने जब बूढ़ी औरत को पहाड़ी पर इतनी तेजी से चढ़ते देखा, तो उसे पेरिस की याद आ गई। इतनी तेजी से तो सिर्फ पेरिस ही खड़ी पहाड़ी पर चढ़ सकती थी। हो ना हो, ये पेरिस ही है। हाँ पाइपर, मैं पेरिस ही हूँ। किसी ने काले जादू से मुझे बूढ़ा कर दिया था। पाइपर ने अपने और अपने पड़ोसी राज्य के सभी जादूगरों को बुलाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि किसने पेरिस को बूढ़ा किया है। जादूगरनी हेडन ने जब नजरें चुराई तो पाइपर समझ गया कि ये हेडन का ही काम है। सब कुछ सच सच बताओ, वरना तुम्हें जलती आग में फेंक दिया जाएगा। हेडन ने सारा सच उगल दिया। लीजा और उसके पिताजी की पोल खुल गई। लीजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरे राज्य से और कभी वापस मत आना। हेडन ने अपने काले जादू का प्रभाव खत्म किया और पेरिस पहले जैसी जवान और खूबसूरत हो गई। पाइपर और पेरिस ने विवाह किया और दोनों राजी खुशी रहने लगे।